नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ सियासी बवाल जारी है तो दूसरी तरफ बयानों का जो बांध है वो भी टूटता जा रहा है। लगातार बयानों की तरफ अगर हम गौर करें तो एक के बाद एक ऐसे बयान खुल करके आते हैं जो देश के बड़े बड़े पद पर बैठे यहाँ पर जितने भी हमारे नेता हैं उन सभी को उनकी कुर्सी से हिलाने का काम करता है। जैसे ही एक बयान जो है वो सामने से वायरल हो रहा है, ये बयान सुप्रिया श्रीनेत का है जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसे कटु वचन बोल रही है जिसको सुनने के बाद पूरे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच चुका है। क्या कुछ कहती सुप्रिया श्रीनेत, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राजतिलक कर रहा था तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। सुप्रिया श्रीनेत का आपने ये बयान सुना। बयान सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।